हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है र के रूप। र को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं? रेफ की मात्रा के तरीके से, या रेफ और पदेन। रेफ की मात्रा क्या होता है? किसी भी व्यंजन के ऊपर जो इस तरीके से मात्रा लगी होती है उसको बोलते हैं रेफ की मात्रा। और पदेन में आता है जो र की मात्रा हम किसी भी व्यंजन के नीचे इस प्रकार से लगाएं, या किसी भी व्यंजन के नीचे कैसे लगेगा इस तरीके से, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है वर्षा। वर्षा में ये जो ऊपर मात्रा लगी है र की मात्रा, जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? व र श आ, वर्षा। तो कैसे इसमें आवाज आ रही है? र की आवाज आ रही है, व र श आ, वर्षा। ठीक है, जब भी रेफ की मात्रा होती है, जिस व्यंजन के ऊपर वो मात्रा होती है उस व्यंजन से हम पहले र को पढ़ते हैं, बाद में नहीं। ठीक है, वशार नहीं पढ़ना है इसको, पहले र पढ़ना है फिर श आ, वर्षा। जैसे कि यहाँ पे दूसरी पदेन की मात्रा दी है, ये नीचे, ये भी र का ही इसको बोला जाता है, जैसे ब र श, ब्रश। लेकिन इसको पूरा र करके नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ब्रश। ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक मात्रा है हमारी, ये देखिए पदेन की मात्रा, ड र म, ड्रम। ये भी जल्दी से पढ़ते हैं ड्रम। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारी ये वाली। ठीक है, ये जो मात्रा है ये र की मात्रा नहीं, ये क्या होती है? टॉर्च, ये ओ की मात्रा देते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा होगा ना अनुनासिक वगैरह में, तो ये जो मात्रा होती है किसी भी शब्द के ऊपर, ये कैसी साउंड देती है? ओ की। ठीक है, तो टो, फिर ये रेफ की मात्रा आ गई र और च, टॉर्च। ओके, वैसे ही फ र ओ का, फ्रॉक। फिर ये तो सिंपल है, ट्रक। ठीक है, तो जो भी ये वाली मात्रा होती है पदेन वाली, ये हो गई या इस तरीके की मात्रा हो गई, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन जो रेफ की मात्रा होती है उसको थोड़ा सा अच्छे से पूरा र करके पढ़ा जाता है। जैसे हम नीचे देखते हैं, श र म शरम, प र स पर्स, प र ए म प्रेम। ठीक है, इसको जल्दी पढ़ना है, प्र प्र करके पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही ट र ए न ट्रेन, म उ र ख मूरख, ये अच्छे से इसको र पढ़ना है। ध र म धरम, अब ये पदेन की मात्रा आ गई तो क्या पढ़ेंगे? क्रम। फिर ड्रामा, गर्व, अर्पण, प्रभात और ट्राम। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे इनको बोला जाता है? आइए अब देखते हैं आगे वाले पेज में क्या दिया है। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल क्या होता है? हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य और अन्य ग्रह आते हैं। यहाँ पे दिया है, मैं सूर्य हूँ, मैं एक तारा हूँ, मेरे चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह उपग्रहों को समूह को सौर मंडल कहते हैं। मैं इस परिवार का प्रधान हूँ, मेरे इस परिवार में 8 ग्रह हैं, इनके नाम क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा और निकट का ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमें सौर मंडल के बारे में बताया गया है और ये पिक्चर भी बनाई हुई है। आगे दिया है अभ्यास। अब हमें क्या करना है? इसको मिलान करना है। पहला क्या दिया है? ट्रक। तो इसको ट्रक के साथ मिलान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये रहा ट्रक। फिर यहां दिया है ड्रामा, इसको आप मैच करेंगे ड्रामा के साथ। ये है ट्रेन। ट्रेन कहाँ लिखी है? इधर। ठीक है, पर्स, पर्स को आप मैच करेंगे पर्स के साथ। फिर दिया है ब्रश, ब्रश को मैच करेंगे ब्रश के साथ। और आखिर में है टॉर्च, टॉर्च को मैच करेंगे हम टॉर्च के साथ। इनकी जितनी भी स्पेलिंग है आपने ध्यान से इसको लिखना और याद करना है। आगे दिया है सही स्थान पर ये मात्राएं आपने लगानी है। ठीक है, कौन कौन सी मात्रा है? एक मात्रा है मेरी रेफ की, ये वाली, सॉरी पदेन की मात्रा आपको दी हुई है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, ये दोनों ही पदेन की मात्रा होती है।
तो पहले क्या है, ट्रक, ट्रक में कौन सी मात्रा आती है, ये, ग्रह, ग्रह में आती है ये वाली मात्रा, ठीक है। अब है ट्रेन, ट्रेन में भी कौन सी आएगी, ये वाली मात्रा। ये है ड्रेस, ड्रेस में हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, इस प्रकार की, ठीक है। पर्स, रेफ की मात्रा। सूर्य में भी रेफ की मात्रा। यहां पे आपको इंद्रधनुष का चित्र दिया है, आपने इसमें रंग भरना है, तो बच्चों ये आपने खुद करना है, एक सुंदर सा इंद्रधनुष अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है और उसमें रंग भरने हैं। आप सभी को पता होगा कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष के, कैसे रंग होते हैं, इसको बोलते हैं हम विवग्योर, यानी कि सबसे नीचे होता है वायलेट कलर, ठीक है, फिर होता है इंडिगो कलर, फिर होता है ब्लू कलर, फिर होता है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इस तरीके से 7 कलर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7 कलर आपने नीचे से शुरू करके भरने हैं। पहले बैंगनी कलर, इंडिगो क्या होता है, पिंक कलर, पिंकिश कलर जो होता है वो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और लास्ट में रेड। तो आपने नोटबुक में भी इसी तरीके से सुंदर सा इंद्रधनुष बनाना है और उसको कलर और ड्रॉ करना है। तो ये था हमारा चैप्टर किसके बारे में, रेफ और पदेन की मात्राओं के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने रेफ की मात्रा से भी 10 शब्द लिखने, पदेन की हर एक मात्रा के भी 10-10 शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं, समझने हैं, बोलने भी हैं और उनको याद भी करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।